Hello guys, welcome to my channel Technical DK. I am Deepak Yadav, basically from React. In this video, I will tell you about GME course, eligibility criteria, and the paper pattern of Anglo-Eastern. I will also tell you about the psychometry portion, how to approach the question, and what is the right way to approach it. With Anglo-Eastern entrance exam paper pattern, and the question they ask, the variety of question from the different section they ask. So let's start our video. I have filled up the form. And then I got the date for the exam. I gave my online exam in Gurgaon on 3rd March 2020 and I got the result through mail around a week later. So Anglo-Eastern ka paper kafi high level. They have their quality of questions. Quality of question kafi achhi thi unki. And further the mix up 100 questions होंगे 120 minutes मिलेंगे आपको technical question होगा mechanical domain होगा हमारा उसके बाद आपको English मिलेगी English में भी different है मैं आपके आपको बताऊंगा क्या क्या आया था उसके बाद आपको जो मिलेगा वो है reasoning ऐसा नहीं कि आप किसी भी एक question पर concentrate करोगे and you will clear the cutoff which is not trivial but you have to clear all the sections You have to better in all the section. You cannot skip any one of this. So you have to perform well, very well. So ये होने के बाद ये है कि आपका English portion contain करेगा comprehension, synonym, antonym, character sentence. English के question होंगे कुछ. उसके बाद reasoning के आपको काफी question देखने को मिलेंगे. And the highest level of the question will be mechanical portion, technical से. बिल्कुल. तो आपको जो रीजनिंग में देखने मिलेगा वो टाइम एंड वर्क होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम एंड डिस्टेंस होगा एवरेज होगा प्रॉफिट एंड लॉस होगा इज प्रॉब्लम ऑन ट्रेन हाँ इसके क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे बिल्कुल प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के क्वेश्चन भी एक दो मेरे को दिखे थे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये क्वेश्चन मेरे को दिखे थे उसके बाद आपको मेनली फोकस करना है टेक्निकल पोर्शन पे टेक्निकल पोर्शन काफी अच्छा आएगा एंग्लो का पेपर मैंने एंग्लो-ईस्टर्न का दिया है ग्रेट ईस्टर्न का दिया है एंड आईएमएस कोवा का दिया है तीनों का दे रखा है जब quality of paper से Anglo-Eastern का bar बहुत high है they have set their bars very high तो quality of questions बहुत अच्छे हैं Anglo के और time लगता है आपको paper देने में time बहुत कम मैंने Anglo-Eastern का paper clear किया उसके बाद मैंने interview दिया वो भी clear किया उसके बाद मैं medical के लिए गया by DGS approved doctor so जयपुर में करवाया मैंने medical I'm medically fit too मैंने Anglo-Eastern का paper भी दे रखा है वो मेरा clear है मैंने अभी फिलहाल IMS Goa का पेपर दिया है रिजल्ट इज अवेटेड लेट्स सी व्हाट्स हैपन नेक्स्ट सो मैंने यू व्हिच आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू फोकस ऑन बात टेक्निकल आपका जोन है और मैकेनिकल डोमेन में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा सो यू हैव टू परफॉर्म इन थ्री ऑफ द सेक्शंस बट मैकेनिकल में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि आपका जोन है इस जोन में परफॉर्म नहीं किया तो कोई फायदा नहीं सो उम्मीद मत रखना कि आप सेलेक्ट होगे फिर आपको मेल आएगा यू हैव क्लियर ऑनलाइन टेस्ट नॉट एट ऑल सो जो जोन है उस जोन में आपको कहाँ कहाँ पे परफॉर्म करना है सो मेनली फोकस करना है फ्लूइड मैकेनिक्स पे फ्लूइड मैकेनिक्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से आईसी इंजन विल बी द नेक्स्ट देन थर्मोडाइनेमिक्स पे कंसंट्रेट करना देन बॉयलर हीट ट्रांसफर सोम एंड टर्बाइन टर्बाइन पे एक दो क्वेश्चन दिखे थे मेरे को ज़्यादा नहीं दिखे तो जिस सीरीज में मैंने आपको बताया उसी सीरीज में आपको क्वेश्चन भी देखने सो आई वुड सजेस्ट दैट कि जो जो मैंने आपको अब तक बताया चाहे रीजनिंग क्वेश्चन में जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं गूगल पे जाओ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सर्च करो इनके ऊपर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड द मैकेनिकल डोमेन से आई वुड सजेस्ट टू गो थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स बिकॉज ये आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू के लिए भी टू प्रिपेयर वेल आफ्टर दैट देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड इंडिया ब्रिक्स यू कैन प्रैक्टिस द एमसीक्यूज बिकॉज जो ऑनलाइन टेस्ट होना है वो एमसीक्यू टाइप होना है सो जस्ट प्रैक्टिस बस क्लियर योर बेसिक सो थैंक यू गाइस योर नेक्स्ट बच गया है साइकोमेट्री पोर्शन इंटरव्यू पोर्शन एंड मेडिकल पोर्शन आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियोस साइकोमेट्री पोर्शन के लिए मैं आपको बताऊंगा राइट वे टू अप्रोच कैसे उनसे डील करना है